नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी स्टेनो 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ढेर सारे जो बच्चे हैं उनका ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर स्टेनो पे भी वीडियो बनाइए, तो आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि कितनी क्या वैकेंसी इस बार एसएससी स्टेनो 2024 में आ सकती हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा क्या आपकी जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जो है वो क्या डिले होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। उसके अलावा क्या एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो एज है वो आपकी कब से काउंट होगी, तो जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको एक दो मिनट के अंदर मिलने वाला है। तो एक दो मिनट के अंदर मैं पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कितनी क्या वैकेंसी आ सकती हैं, तो इसके रिगार्डिंग ढेर सारे जो डिपार्टमेंट हैं उसमें हमने आरटीआई लगा दी है। जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। बाकी ये अनुमान है कि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेंगी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि CHSL में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। उसके अलावा CGL में भी 15,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पर भी ये अनुमान है कि 2,000 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर इतनी वैकेंसी आती हैं तो एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएंगी, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है 2,000 अगर आती हैं वैकेंसी आपकी स्टेनो में, ठीक है। तो ये अनुमान है कि 2,000 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो आपकी आ सकती हैं। 1,500 से 2,000 के बीच में वैकेंसी आपकी रहेंगी, ठीक है। बाकी जैसे ही आरटीआई की रिप्लाई आएंगी उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी ये अनुमान है कि इतनी वैकेंसी आपकी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आपका डिले हो सकता है। तो आप लोग ये कैलेंडर देख पा रहे होंगे, जो आपका स्टेनो का नोटिफिकेशन आपका आना है वो 16 जुलाई 2024 को आना है। 16 जुलाई 2024 से लेकर के 14 अगस्त 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा। अभी जो आपके नोटिफिकेशन डिले हो रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि SSC की नई वेबसाइट, जैसा कि आपको पता है कि ढेर सारी प्रॉब्लम उसमें आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को, तो इस वजह से जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि MTS का जो नोटिफिकेशन है वो भी डिले हुआ, CHSL का भी नोटिफिकेशन मिनिमम डिले हुआ, 6 दिन का डिले हुआ, तो डिले हो रहा है। लेकिन अभी आपके नोटिफिकेशन में आने में काफ़ी टाइम है और तब तक इलेक्शन भी आपके हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तक SSC जो है वो मेंटेन कर लेगी चीज़ों को। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी नोटिफिकेशन की डेट है उसी डेट पे आपका नोटिफिकेशन आएगा, इसमें आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट की कि एग्ज़ाम जो है वो आपका ये भी क्या पोस्टपोन हो सकता है, तो जब नोटिफिकेशन टाइम पे आएगा तो एग्ज़ाम जो है वो भी आपका टाइम पे होगा। अक्टूबर नवंबर अगर दिया है तो अक्टूबर नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा। कुछ एग्ज़ाम, कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, कुछ का आपका नवंबर में होगा। यानी कि आप ये अक्टूबर नवंबर अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि अक्टूबर मिड के बाद ही एग्ज़ाम जो है वो होना स्टार्ट होंगे, और वो अक्टूबर में भी चलेंगे और नवंबर में भी चलेंगे, ठीक है। और बाकी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो SSC के जो डेट है वो भले ही नोटिफिकेशन की डेट थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो तारीखें हैं वो दे दी हैं, तो लगभग उन्होंने सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं। और CHSL का भी एग्ज़ाम ऑन टाइम हो रहा है और MTS का भी जो एग्ज़ाम है वो ऑन टाइम ही होगा। जो दिया हुआ है कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा MTS का, तो वो आपका जुलाई अगस्त में ही हो जाएगा। आई थिंक जो है CHSL का एग्ज़ाम यहाँ पे देखो जून जुलाई दिया है, तो ये जुलाई मिड तक ये एग्ज़ाम ओवर हो रहा है जो इन्होंने डेट दी है। तो जुलाई मिड के बाद ये एग्ज़ाम भी आपका MTS का जो एग्ज़ाम है ये भी स्टार्ट कर देंगे, तो एग्ज़ाम डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम आपका ऑन टाइम होगा, जो अक्टूबर नवंबर दिया है उसी तरीके से होगा। अक्टूबर नवंबर देने का मतलब है कि मिड अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम, मिड अक्टूबर के बाद ही एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा। तो नोटिफिकेशन आपका ऑन टाइम आएगा और एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑन टाइम होगा, जो दिया हुआ है यहाँ पे मंथ उसी के हिसाब से। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में वो ये है कि एज जो है वो कब से काउंट होगी। तो एज के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए, क्योंकि एज अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें भी ये जो एज है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज इस डेट तक हो जानी चाहिए। तो एज के रिगार्डिंग जो डाउट है जिन बच्चों को वो भी क्लियर हो गया होगा कि एज कब से काउंट करेंगे, तो एज जो है वो 1 अगस्त 2024 से आपकी काउंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।